आज हम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आईटी विद्यार्थियों के लिए क्या खुशखबरी है। रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यदि सुना होगा या आपने नोटिस भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि रेलवे ने अब ग्रुप डी यानी कि लेवल वन में आईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। आईटी या अप्रेंटिस दोनों में से कोई सा भी एक हो और प्लस 10वीं पास, उनको अनिवार्य कर दिया गया है। किसने? रेलवे ने। और ये नोटिस उन्होंने अभी सिकंदराबाद की साइट पर डाला है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल है। एक चीज और आ गई कि क्या सीईटी लागू होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो गया क्या सेंटर का? ये बहुत सवाल घूम रहा है। तो सर लागू होगा तो हमारे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में लगेगा क्या? हमारे जो ग्रुप डी आएगी रेलवे उसमें भी लगेगा क्या? इसका सवाल है। तीसरा सवाल है, ये जो शो कुछ चल रहा है, ये वैकेंसी आएगी कब? हम इन वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं, ये वैकेंसी आएगी कब? ये सवाल है। इन सभी सवालों के ऊपर अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुन लेना कि सिलेबस का क्या मामला है, कौन सी ट्रेड है जो इलिजिबल होती है, क्या केस है, उन सभी के बारे में डिटेल चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत होगी। क्लियर? जो आपके नोटिस आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड का, इस नोटिस को देखना ध्यान से। ये सिकंदराबाद की तरफ से है। उन्होंने कहा कि द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल वन ऑफ द पे मैट्रिक्स। लेवल वन कौन से? ग्रुप डी। मैं सब क्लियर करता जाऊं, लेवल वन कौन सा? तो आप कहेंगे लेवल वन ग्रुप डी। ग्रुप डी में उन्होंने कहा जो पोस्ट हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में रेलवे 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या जो नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्स के द्वारा, या फिर 10th प्लस आईटी। सामान्यतः मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिस कौन करता है? जिन्होंने आईटी की है, सामान्यतः यही होता है। तो 10वीं प्लस आईटी एलो है, 10th प्लस आईटी एलो है। तो क्या पहली बार एलो है? नहीं, ऐसी वेलो पहले भी हुई थी। कब हुई थी? 2018 में। पहले 2017 में इसका नोटिस आया था कि भाई इसमें अलाउ करेंगे। 2018 में जो फरवरी वैकेंसी आई थी, तो उस समय उन्होंने जो ग्रुप डी यानी लेवल वन की वैकेंसी आई थी, उन्होंने कहा 10th प्लस आईटी है। सब आईटी वाले भी खुश थे और सबको ये लगा था अब होगा सिलेक्शन लेने का सपना साकार, और पूरी जी जान से मेहनत करने में लगे पड़े थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि उस समय यूपी और बिहार में काफी सारे आंदोलन हुए थे, क्योंकि जो 10वीं पास वाले लड़के वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आपने 2017 के सितंबर में सूचना दी और 18 के फरवरी में वैकेंसी जारी कर रहे हो, तो हम तो इसकी तैयारी कर रहे थे, और अब कोई 6 महीने में तो कोई आईटीआई होती नहीं है, और हम आईटीआई करके कहां से लाएंगे, इसलिए आप एलो करो। तो फिर गवर्नमेंट ने पूरी इस बात सुनी और उनको एलो कर दिया। फिर उन्होंने 2018 के मई में नोटिस निकाला कि साहब हमने एलो तो कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे जो भर्ती आएगी उसमें 10th प्लस आईटीआई को लिया जाएगा। लेकिन फिर आगे भर्ती आई, भर्ती कब आई थी? 2019 में। उनमें वापस 10th वालों को फॉर्म भरवा दिया। वापस किसको भरवा दिया? 10th को फॉर्म भरवा दिया। तो कहा ये क्यों भराया? क्योंकि ये भर्ती कब आई थी? मार्च 2019 में। भर्ती कब आई थी? मार्च 2019। इनका ये कहना था कि सितंबर 2017 में सूचना दी है, यदि वो सेशन स्टार्ट भी हो गया तो मार्च 2019 तक तो 2 साल होते ही नहीं है। आईटी में एडमिशन लेके 2 साल का आईटी कोर्स करते हो तो तब तक तो रिजल्ट नहीं आता, वहां तक आप केवल आईटी कर सकते हो। तो 1 साल की कर सकते थे, कितनी कर सकते थे? केवल अधिकतम कर सकते थे तो 1 साल की, वो भी आप यदि बहुत जागरूक थे तो वेल्डर में, डीजल में एडमिशन ले लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल का ही सबको करना है। कई बच्चे 2 साल का आईटी करेंगे, जो फिटर करेंगे, इलेक्ट्रीशियन करेंगे, इलेक्ट्रिक मैकेनिक करेंगे, आरएससी करेंगे, कुछ बच्चे 1 साल का करेंगे, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ये सब कितना साल के हैं? 1 साल के कोर्स, इनके ऊपर डिपेंड था। तो उन्होंने कहा कि इस बार 10th पास को एलो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने वापस, जैसे 2019 में उन्होंने वैकेंसी जारी कर दी, उसके 3-4 महीने बाद नोटिस दिया कि भाई हमने जारी कर दिया, 10वीं वालों को फॉर्म भरो दे, लेकिन ध्यान रहे आगे से हम फॉर्म तो किसको भरवाएंगे? 10th प्लस आईटीआई वालों को। गवर्नमेंट 2017 से इस पद के लिए जो लेवल वन यानी कि ग्रुप डी के पद है उनमें आईटीआई लागू करना चाह रही है। इसके लिए इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाह रही है। अब इसके लिए इंडिया प्रोग्राम बढ़ावा देना चाह रहे, तो उन्होंने ये नोटिस वापस डाला कि अब की बार हम 10th प्लस आईटी या 10th प्लस अप्रेंटिस होनी चाहिए। और उन्होंने ये लिखा भी है यहां पर, द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज हाउवर रिलेटेड टू 10th पास और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी एनएससी ग्रांटेड बाई नेशनल वोकेशनल कोर ट्रेनिंग कोर्स या आईटी या इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द लेवल पोस्ट या वैकेंसी इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे नोटिफाइड अंडर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 01/2019 इश्यूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली। उनमें उन्होंने कहा कि इसकी जगह हमने केवल 10th पास को फॉर्म भरवाया था, जबकि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो यदि भी हमारे पास कौन सी थी? 10th प्लस ये थी। और वो ये कह रहे हैं
आगे से जो वैकेंसी आएगी, आगे से वैकेंसी आएगी, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक दैट द रिलेक्शन इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज ओनली स्पेशली डिस्पेंशन फॉर रिक्रूटमेंट बीइंग डन अंडर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। पहले जो एम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस और भर्ती जारी हो चुकी है, उनके अंदर ही हमने स्पेशल छूट दी है, और जो कि 02/2018 और 01/2019 का नोटिस नंबर है उनमें हमने छूट दे दी है। अब हम छूट नहीं देंगे। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर रिक्रूटमेंट नोटिफाइड आफ्टर 15 जून 2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट नाम दिए हैं इसमें 10th प्लस या तो अप्रेंटिस या 10th प्लस आईटीआई वालों को ही लिया जाएगा। अब आपके पास दो मौके हो गए। एक तो देखो कि आईटीआई के बच्चा है, आईटीआई का बच्चा के पास, और मेरा हमेशा से मैं कहता हूं हर सेमिनार के अंदर कहा हुआ है कि 5 साल में एक मौका ये आता है कि आपने आईटीआई जो करके बहुत अच्छा काम किया, बाकी सारी दुनिया सोचती है कि हमने आईटीआई क्यों नहीं की, क्योंकि जैसे वैकेंसी आएगी तो आईटीआई का बोलबाला होता है, 5 साल में एक बार होता है। मैं तो इतने सालों से आईटीआई वालों को पढ़ा रहा हूं, चाहे स्टेट की भर्ती हो चाहे सेंटर की भर्ती हो, तो मैं तो आईटीआई वालों के सब रग रग से जानता हूं। तो एक साल ऐसा होता है, और मेरा पूरा सेमिनार है, समय देख लेना, मैं आप हर बार ये कहता हूं 5 साल में एक साल होता है जो आईटीआई का बोलबाला होता है। बाकी सब सोचते हैं, बीटेक वाले डिप्लोमा वाले भी सोचते हैं हमने आईटीआई की होती है, और ये कोई क्या नहीं सोचते हैं। तो मैं बहुत सारे एडमिशन दिखाता हूं 2018 में जो बीटेक और डिप्लोमा के आईटीआई में एडमिशन लिए। क्यों लिए? क्योंकि आईटीआई वाले एलपी के लिए भी अलाउ है और आईटीआई वाले टेक्नीशियन के लिए भी अलाउ है, दोनों के लिए अलाउ है। जबकि बीटेक और डिप्लोमा वाले केवल एलपी के लिए अलाउ है, उनमें भी किसी की नजर कमजोर है तो कहीं का अलाउ नहीं हुआ। कोई भी यदि मान लो आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, चश्मा है, 6/9 है, तो भी वो अलाउ नहीं हुआ। इसलिए अब आईटी वाले के पास ऑप्शन है, वो एलपी में जाना चाहे तो एलपी में जाए, यदि नजर कमजोर है तो टेक्नीशियन में चला जाए। यदि मान लो एलपी का पेपर थोड़ा सा, मान लो पेपर या मेरिट में अटक जाए, रह जाए, तो टेक्नीशियन में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि पिछली बार 26,000 प्लस वैकेंसी तो इसकी थी और 37,000 प्लस वैकेंसी टेक्नीशियन की थी। अब ये वैकेंसी पिछली बार थी 2014 में भर्ती आई थी, उसके बाद 2018 में भर्ती आई, तब का मामला ये 2018 के फरवरी में भर्ती आई, ये साल हुए 4 साल, और अब की बार 2023 का सितंबर चल रहा है और ये हो गए 5.5 साल। अब तक का हाईएस्ट टाइम पीरियड है जिसमें लोको पायलट वैकेंसी इतने डिले से आ रही है, हाईएस्ट टाइम पीरियड 5.5 साल। कभी किसी भी भर्ती को नहीं, आप जाकर चेक कर लो, जब साल बहुत ज्यादा होते हैं कभी भी, तो आपको पता है कि उनको पोस्ट भी ज्यादा लेनी है। जब पोस्ट ज्यादा लेनी है तो वैकेंसी भी क्या आएगी ज्यादा, तो आपके पास लोको पायलट बनने का अवसर है, कुछ रह जाए तो टेक्नीशियन बनने का अवसर है। फिर भी कोई कमजोर है, कोई धीमा है, कम पढ़ने वाला, तो उनके पास ग्रुप डी का ऑप्शन है, कहते तुम तो ठीक ठाक पढ़ लो, नौकरी तो हम दे ही देंगे। क्योंकि ग्रुप डी के जब पद आते हैं तो 1,00,000 पद नॉर्मल होते हैं अभी तक जो आए हैं, तो आगे भी उम्मीद यही रखी जाएगी 1,00,000 पद नॉर्मल 18 में आई, 19 में, अब 23 में भी उम्मीद तो यही रखी जाएगी 1,00,000 पद नॉर्मली होते हैं जब वैकेंसी आती है। तो जब आपके सामने वैकेंसी आती है 1,60,000, 1,65,000, 1,50,000 या 2,00,000, कितनी भी आ सकती है, क्योंकि पिछली बार 2018 में ये वैकेंसी थी जो 1,65,000 थी। रेलवे 3.5 लाख पदों पर भर्ती है, रेलवे नहीं, सेंटर, सेंटर की वैकेंसी 3.5 लाख पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। हर बार अब आपको सुपुकार सुनने को मिलती है, लोको पायलट में ये चेक कर रहे हैं, ग्रुप डी में ये कर रहे हैं, आरआर में ये कर रहे हैं, लोको में ये कर रहे हैं, और सब में प्राइम में मेन चल रहा है लोको पायलट, कि लोको पायलट है टेक्नीशियन वैकेंसी, लोको पायलट है टेक्नीशियन वैकेंसी। मामला यह है कि वैकेंसियां आएगी, वैकेंसी आएगी तो देखो 5 साल में एक मौका आता है जिस समय सभी सोचते हैं हम आईटीआई कर लेते हैं, बाकी 4 साल तो वो होते हैं आईटीआई वाले खुद सोचते हैं हमने ये क्यों किया, रियलिटी यही है। तो इसलिए इस साल आपको मौका मिला हुआ है, पढ़ लो, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है और ये आपके पास मौका है। और ये मौका देखो, जैसे अभी कोई 23 में पास आउट होगा या मानो तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये मौका वापस 5 साल बाद आता है, बार बार मौका नहीं आता। ये कैसे पढ़ो, पढ़ लो, जरूरी पढ़ाई करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, ग्रुप डी का सिलेबस वही है जो आपके एलपी का सीबीटी 1 का है। क्या भाई, इनका जो सीबीटी 1 का सिलेबस है ना वही है, ठीक है। अब क्या सर, एक और सवाल रह गया हमारे, तो क्या सवाल रह गया सर, सीटी लागू होगी क्या? सीटी पहली बात यदि लागू हो भी जाएगी तो मैथ आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, जीके आप पढ़ रहे हैं, साइंस आप पढ़ रहे हैं, सीबीटी 2 के अंदर आप कंप्यूटर भी आप पढ़ रहे हैं, नया जुड़ेगा तो हिंदी और इंग्लिश जुड़ेगा, जुड़ेगा तो टेंस लेने की जरूरत नहीं, वैसे तो है नहीं लागू, होगा तो ये जुड़ेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी तो ऑलरेडी आपके सिलेबस में ना सीबीटी 1 जो पेपर होता है ये भी तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे ही सीटी लागू होगा तो सीबीटी 1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर सीटी रह जाएगा। सीबीटी 1 भी तो सीटी का ही काम कर रहा है, यही तो काम उसका, इसलिए इसको लेकर कोई तनाव लेना नहीं। दूसरा, कि तो भी लागू होगा क्या, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि मई अप्रैल मई 2024 से सीटी लागू करेंगे, अप्रैल मई के बाद में वैकेंसी आएगी उनके लिए, पहले वालों के नहीं, और वो भी केवल ग्रेजुएशन के लिए,
तो इसलिए अपने लिए लागू नहीं है, क्योंकि अपन तो 10th+IT या 12th PCM वाले या बीटेक वाले, बीटेक वाले तो है, तो ये तो लेवल सी की जो बीटेक लेवल, सॉरी LLB, तो बीटेक स्टैंडर्ड पर चल नहीं रही ना। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वैकेंसी कौन सी चलती है? NTPC, उसके लिए कह रहा है। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड चलती है SSC CGL CPO या बैंकिंग, ये उनके लिए सबसे पहले लागू होगा। ये ग्रुप डी लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए लागू नहीं कर रहे, इसलिए आपको इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रुप डी को टारगेट थोड़ी ना करेंगे, आप टारगेट क्या करेंगे कि साहब मैं बनना चाहता हूं ALP, ज्यादा तनखा इसमें मिलेगी। ALP में यदि 22 दिवे रह गया तो टेक्नीशियन, इसमें 22 दिवे रह गए तो लेवल 1 है। तुम कहां नीचे वाला सोच रहे हो, तुम सोचो यहां पर 22 दिवे हो गया तो आपके पास सेफ जोन है। तैयारी इस लेवल की मत करो, तैयारी इस लेवल की करो। अच्छा, कौन से ITI के कितने पद आएंगे? तो लेवल 1 में ITI होनी चाहिए, पदों का वर्गीकरण नहीं किया, कॉमन है भाई। लेवल 1 में कॉमन है, लेवल 1 में क्या है? कॉमन है, इसलिए उसके तनाव नहीं ले। इसको देख लो, आप यदि मान लो लोको पायलट को टारगेट करो या टेक्नीशियन टारगेट करो, सिलेबस सेम ही है। पहले हमारे पास क्या एग्जाम होता है? CBT 1, फिर एग्जाम क्या होगा? CBT 2, और फिर एग्जाम क्या होगा? साइको। CBT 1 और CBT 2 करोगे केवल, तब आप टेक्नीशियन होगा। CBT 1 2 साइको तक हो जाएगा तो आप लोको पायलट बन जाएंगे, और केवल CBT 1 का सिलेबस पढ़ेंगे तो आप लेवल 1 में है। आपकी मर्जी, नौकरी आपको चाहिए आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन मर्जी इतनी रहनी कि आप सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जाए। कोई नीचे वाली पोस्ट के लिए तैयारी थोड़ी करता है, नीचे वाली तो आपका सेफ है कि भाई ALP में यदि बाई दिवे कुछ गड़बड़ हुआ तो टेक्नीशियन में बनी जाऊंगा, टेक्नीशियन गड़बड़ हुआ तो बाई दिवे में यहां बनी जाऊंगा, यह होना चाहिए, होता है सेफ स्कोर। तो ऑनलाइन कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो कोटिले क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें। जब कोटिले क्लासेज का आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोटिले क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। इसमें पेड कोर्सेज यहां पर है, इस पर क्लिक करोगे तो पेड कोर्सेज आएगा। पेड कोर्सेज में आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा लाइव बेस लेना है, रिकॉर्डेड बेस लेना है, राजस्थान जीके का बेस लेना है, कौन सा है। यदि लाइव बेस पर आप क्लिक करते हैं वो खुल के आ जाएगा। इस प्रकार सारे कोर्स खुल के आपके सामने आ जाएंगे, आसानी से इसमें पढ़ेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है जी, तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए और कोटिले क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कीजिए। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और ये सब सूचना आने लगती है तो इसका संकेत होता है कि वैकेंसी आने वाली है। आप तैयार हो जाओ और रेडी हो जाओ, और जो भी